वर्ष 2015 से 2018 तक चले जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप छतरपुर को प्राप्त हुआ मेडिकल कॉलेज का निर्माण एक बार फिर से अटक गया है। सरकार ने छतरपुर के नौगांव रोड पर स्थित गौरगांव की लगभग 35 एकड़ जमीन पर 220 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू कराया था। निर्माण संस्था PIU की देखरेख में ठेकेदार कंपनी JP इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा प्लांट लगाकर इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इस जमीन पर वर्षों से काबिज किसानों के द्वारा हाईकोर्ट और स्थानीय अदालत में याचिकाएं लगाकर व्यवधान डाला जा रहा है। लगभग एक माह पहले हाईकोर्ट ने एक किसान की याचिका पर स्थगन आदेश दिया था, जिसके कारण मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य अटक गया था। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इन याचिकाओं के विरुद्ध शासन की ओर से जिला प्रशासन के द्वारा अपना पक्ष रखने में लापरवाही बरती जा रही है। इसी बात को लेकर मेडिकल कॉलेज का आंदोलन चलाने वाले नगर के प्रबुद्ध नागरिकों की संस्था ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा के वरिष्ठ समाजसेवी हरिप्रकाश अग्रवाल के आह्वान पर शनिवार को बस स्टैंड पर कल्याण धर्मशाला में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह, छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, पूर्व विधायक उमेश शुक्ला, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुभाष चौबे, वरिष्ठ पत्रकार श्याम अग्रवाल, सुरेंद्र अग्रवाल, व्यापारी नेता परशुराम शुक्ला, भाजपा नेता भागीरथ पटेल, अरविंद त्रिपाठी सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि शासन को पुनः मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए सजग करने हेतु मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचकर स्थानीय नागरिकों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि यदि जल्द ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो एक बार फिर मेडिकल संघर्ष मोर्चा सड़क पर उतरेगा। बैठक में विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार की मंशा कहने और करने दोनों में अलग नजर आ रही है। जब निर्माण कार्य शुरू हो चुका है तब इसमें आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए लापरवाही क्यों की जा रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह ने कहा कि इस संबंध में कलेक्टर से चर्चा हुई है। इस मामले में SDM विनय द्विवेदी को हाईकोर्ट के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। वे जल्द ही हाईकोर्ट जाकर उक्त स्थगन को निरस्त कराएंगे। छतरपुर में जो मेडिकल कॉलेज यहां घोषणा हुई थी, वो जन आंदोलन के द्वारा यहाँ हम लोगों को एक उम्मीद जागी थी कि बहुत जल्द अब मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा और छतरपुर शहर को जो वर्षों की पुरानी मांग थी वो पूरी होगी। लेकिन पहले भी ये उस जमीन के विवाद में फंसा रहा और हाई कोर्ट से इसका स्थगन मिल गया था और ये जो मामला लंबित बना रहा और निर्माण कार्य नहीं हो सका। अब पुनः जब निर्माण कार्य शुरू हुआ और निर्माण कार्य शुरू, मशीनें लग गई, निर्माण कार्य शुरू हो गया, ठेकेदार आ गया, तो पुनः हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ स्थगन मिल गया, किसी अहरवार के द्वारा वहाँ पर स्थगन आदेश लिया गया। पता नहीं शासन क्यों इतनी लापरवाह है। सरकार को अगर जब पूर्व में भी एक बार इस मामले में स्थगन आदेश और जमीन पर विवाद था और इस मामले को हरि अग्रवाल पत्रकार जी ने स्वयं उसमें इंटरवीनर बनकर स्थगन खारिज करवाया था, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती थी कि केवीएट लगाती और भविष्य में इस तरह के कोई भी आपत्ति दर्ज न होने देती। लेकिन शासन की हमें ये लगता है कि मंशा नहीं है कि छतरपुर में मेडिकल कॉलेज बने, और छतरपुर के लोगों की भी मंशा नहीं दिखाई देती है कि मेडिकल कॉलेज यहाँ बने। यहाँ जिस जन आंदोलन ने, जिस आम जन ने मेडिकल कॉलेज को मांगा था, आज वो आम जन एकत्रित नहीं हो रहा है, लड़ाई नहीं लड़ रहा है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार पुनः सड़क पर आएं और अपने मेडिकल कॉलेज का हक आम जन मिलके जुट के एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़के अपना हक पाए। छतरपुर में मेरे जीवन काल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना जरूर हो जाएगी और एक सीनियर डॉक्टर होने के नाते मेरे मन में ये भाव था कि मैं जाकर वहाँ पर कभी छात्रों को बुला सकूँ। आज मुझे देखकर बहुत निराशा हो रही है कि छतरपुर की जनता इस काम में सक्रिय नहीं है। उन्हें मैं सभी अधिकारियों और राजनेताओं से उम्मीद करता हूँ वो इस काम में सक्रिय होकर शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य की शुरुआत से दिखाएंगे। मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा की आज मेडिकल कॉलेज का जो निर्माणाधीन स्थल पर सामान लगा है वो
उसके निर्माण को पुनः चालू कराने और निर्माण होने तक छतरपुर में मेडिकल कॉलेज की कक्षाएँ प्रारंभ कराने हेतु एक यहाँ बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यह विचार किया गया कि मंगलवार को जनता के नारदन को ले जाकर के जन सुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाए कि मेडिकल कॉलेज का शीघ्र निर्माण कराया जाए। निर्माण होने तक कोई भी जगह चिन्हित करके मेडिकल की कक्षाएँ अगले वर्ष से प्रारंभ कराई जाए। निर्माण का कार्य चाचा बंद हो गया है, अभी तो काफ़ी समय और लगे, अब आप लोग क्या प्रयास करेंगे कि जल्दी निर्माण कार्य शुरू हो जाए? और स्टे का भी चर्चा चल रही है कि स्टे वहाँ पर लग गया है, इसके लिए जिस व्यक्ति ने स्टे लगाया है गवर्नमेंट ने तो कोई जवाब नहीं दिया है, बहुत अफसोस की बात है। किंतु मैंने स्वयं पार्टी बन करके स्टे हटाने के लिए अपना अपील पेश की है, तो निश्चित रूप से दो चार दिन में हाईकोर्ट में स्वीकार हो जाएगी और बहुत जल्दी उसका स्टे खत्म हो जाएगा। छतरपुर में भी एक याचिका अभी दैनिक भास्कर सागर के समाचार से प्राप्त हुई है, उसमें भी हम पता कर करके पार्टी बनेंगे और वो भी स्टे खत्म कराने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने कितना संघर्ष किया था चाचा जब मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आया था और जनता ने भी 2015 से जनता जनार्दन के सहयोग से छतरपुर में 4 वर्ष तक लगातार संघर्ष की परिणति है छतरपुर में मेडिकल कॉलेज का मिलना। छतरपुर में मेडिकल कॉलेज एक बार मिला जो यहाँ से उठ करके दतिया चला गया, जैसे तैसे जब 4 साल की लड़ाई लड़ने के बाद हमें दोबारा मेडिकल कॉलेज मिला, वह भी अधर में लटका हुआ है। अतः इसके पुनः निर्माण चालू कराने के लिए आज बैठक बुलाई गई थी कि आज जो अपना मेडिकल कॉलेज है उसमें कुछ है ऐसी प्रशासनिक अनियमितता आई है, तो उसको दूर करने के लिए आप लोगों का बैठने का एक जो उद्देश्य था, तो उस संबंध में मैं बता दूंगा कि कल कलेक्टर महोदय से बात हुई, SDM से कल बात हुई। SDM का कहना था कि मैं 1 दिन के अंदर जबलपुर जाता हूँ और किसी भी कीमत में इसे वैकेट करवा के लाता हूँ और बहुत जल्द से जल्द वहाँ काम स्टार्ट हो जाएगा और मेडिकल कॉलेज अपना बनना शुरू हो जाएगा। अभी काम बंद हो गया है, स्टे आ गया, तो किसकी लापरवाही आप मानते हैं क्या इसमें ये आप जानते हैं कि स्टे चाहे हम जाएं लेने, आप जाएं, कोई भी जाए, तो स्टे तत्काल दे दिया जाता है।